ये जीके स्टेट का है, वो भामिया में जो जीके आता है वहाँ का। और ये मकान कुछ इस तरह से बना हुआ है, 100 गज में बना हुआ है, जैसे कि देख सकते हो ये यहाँ से बना हुआ है। और ये गेटेड कॉलोनी है वाले जीके का है। ये 100 गज का है, आसपास मकान बना हुआ है सारा, आसपास सारा मकान बना हुआ है। तो ये है इसका फ्रंट, चलिए मैं दिखाता हूँ, इंटर करते हैं। ये पार्किंग के लिए काफ़ी ज़्यादा स्पेस है, फोर व्हीलर आराम से आ जाएगी। एक वॉशरूम ये रहा, ये वॉशरूम बाहर से, और फिर वॉशरूम कुछ इस तरह का बना हुआ है। यहाँ पे एंटर होते हैं, पार्किंग के लिए स्पेस है काफी। ये आगे पार्किंग के लिए, और यहाँ से ये पौड़ी ऊपर की तरफ निकल जाते हैं। एंटर करते हैं, ये पार्किंग के लिए स्पेस है, पर कुछ इस तरह से डिजाइन बना हुआ है। ये ड्राइंग रूम की तरह, या लॉबी कह लो, ड्राइंग रूम, ठीक है। ये ड्राइंग रूम आ गया, और ये इस साइड ओपन किचन, वुडवर्क भी बढ़िया से हो रखा है, और डाउन सीलिंग का भी काम हो रखा है। कुछ इस तरह से, ठीक है। डाउन सीलिंग का एंटर होते ही ये रहा एंटर पॉइंट, और ये ड्राइंग रूम की तरफ, और यहाँ से ये दो बेडरूम निकला हुआ। एक बेडरूम ये आ गया, इसमें भी डाउन सीलिंग बढ़िया से हो रखा है, और ये स्टोरेज के लिए स्पेस है, स्टोरेज के लिए स्पेस। और इसी से अटैच ये वॉशरूम है, इस गेट से भी अटैच है। फिर दूसरा कमरा ये, अटैच है दोनों कमरे से, ये वॉशरूम अटैच है। वॉशिंग एरिया, एक वॉशरूम ये आ गया, दो वॉशरूम ग्राउंड फ्लोर पे, और दो बेडरूम है, एक लॉबी है। ये मैं दिखाता हूँ, एक ऊपर भी, ये पौड़ी, यहाँ पे इस तरह से, ये फर्स्ट फ्लोर गया है। एक कमरा, और एक कमरा ये, मतलब ये सेम टू सेम ऐसे ही बनेगा जैसे ग्राउंड फ्लोर पे बना हुआ है, वैसे ही बना सकते हैं। ऊपर में आधा छत बना हुआ है, आधा